नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम महादेव का चमत्कार लोक में आपका बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज एक ऐसे लोक की जो काफी चमत्कारी है। प्रदेश के मुरैना में सदियों पुराना एक शिव मंदिर है जहां 11 महीने भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन सावन आते ही यहां कोई नहीं आता है, ना हैरान करता है और साथ ही कई सवाल उठते हैं। हमने जब पूछा तो लोगों ने कहा कि सावन में महादेव के खास भक्त दर्शन के लिए आते हैं और वो भक्त है जानवर। हमें लगा कि मंदिर जंगलों के बीच में है तो जानवर आएंगे ही, लेकिन लोगों ने कहा कि ये जानवर साल के दूसरे महीनों में क्यों नहीं आते। इसी का जवाब तलाशने के लिए हम निकल पड़े। कुदरत की गोद में ऊंचे पर्वतों के बीच सदियों पुराना एक शिवधाम। लोगों के मुताबिक इसका शिवलिंग बेहद चमत्कारी है। इनसे मांगी हर मन्नत पूरी होती है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर लोग यहाँ आते क्यों नहीं, वो भी सावन में। अभी भी ये बहुत ही चमत्कारी शिवलिंग है। कभी कभी बताते हैं कि यहाँ पे सर्प भी पूजा करने आते हैं, नाग भी पूजा करने आते हैं। सिर्फ सांप दिखने की वजह से लोग आना बंद कर दें ऐसा नहीं हो सकता, वजह कुछ और होगी। तब लोगों ने कहा कि सावन में शिवलिंग ज्यादा सिद्ध हो जाता है, तब तांत्रिक वहां साधना करने आते हैं, तब गर्भगृह के अंदर नाग उन्हें भगाते हैं और बाहर बाघ पहरेदारी करते हैं। तंत्र विद्या के लिए आते हैं बहुत से लोग, पर उन्हें करण ना देते भोलेनाथ। कोई ना कोई जानवर सर्प वैसे भजा देते हैं उन्हें। अपने पड़ोस गांव में बिने वो सिद्धि करी, यहीं रुके हुए का महीना, तो बिने वो शेर सेवा नहीं करन दे। हमने कहा कि जब शेर और सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते तो फिर आप लोग डरते क्यों हैं? हर किसी को अपनी जान की परवाह होती है, डर तो लगता है ना, जानवर जानवर होता है, कहीं से भी सांप निकल आए, कहीं से भी कोई गीदड़ आ जाए, कोई शेर या कोई भी जानवर आ जाए सामने, तो आपका क्या होगा, वही डर है। हम एक रहस्य खोजने आए थे और कई और रहस्यों में उलझ गए। अब सारे सवालों का जवाब उन पहाड़ों और उनके नीचे छिपे मंदिर में ही मिलेगा। तो लोगों का दावा था कि सावन में नागेश्वर महादेव का शिवलिंग बहुत चमत्कारी हो जाता है, इसलिए पुराने पहाड़ पर कई शिवलिंग प्रकट होने लगते हैं, तांत्रिक महासिद्धि हासिल करने आने लगते हैं और नाग और बाघ शिवलिंग की पहरेदारी करने लगते हैं। सैकड़ों शिवलिंग का प्रकट होना और गायब हो जाना ये हमारी समझ में नहीं आ रहा था, मानो यहां कुछ तो है। परेशान करने के लिए एक ही रहस्य काफी था, लेकिन यहां तो दावों की बारिश थी और सारे दावे जुड़े थे एक मंदिर से, नागेश्वर महादेव। सदियों से सावन में वहां चमत्कार होता है। कहते हैं कि बारिश की बूंदें पड़ते ही भगवान शिव की महिमा से जंगल जाग जाता है, पहाड़ में शिवलिंग प्रकट होने लगते हैं,
जंगली जानवर शिव मंदिर में आना शुरू कर देते हैं। नाग, बाघ, तेंदुए, सियार, सब। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चमत्कार के इन्हीं दावों को देखने हम निकल पड़े। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर चलेंगे जहां पर रात में बाघ की चौकसी होती है और जब सुबह के वक्त मंदिर खोला जाता है तो वहां पर मिलते हैं नागराज। मतलब बाघ भी पूजा करने आते हैं और नाग भी पूजा करने आते हैं। और इस मंदिर के बारे में बहुत थोड़े लोग जानते हैं क्योंकि घने जंगल के अंदर, जो आपको ये मेरे चारों तरफ वादी दिखाई दे रही है, इस वादी के घने जंगल के बीचों बीच वो मंदिर है। उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उस मंदिर तक जा सके और आपको शिव के उन अद्भुत भक्तों से मिलवा सके। मंदिर जंगल के बीचों बीच पहाड़ी की तलहटी में बना था। आबादी से कोसों दूर सुनागेश्वर महादेव के लिए अब रास्ता यहाँ से जो गाड़ी का था वो खत्म हो चुका है। अब जंगल में पैदल रास्ता है। जंगल में रास्ता कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ऊपर तक जाते हैं। सिर्फ एक पगडंडी सी मुझे दिखाई दे रही है, उसी के सहारे कोशिश करते हैं कि हम उस एक्चुअल मंदिर तक पहुँच जाएं। कांटे चुभते रहे, पथरीला रास्ता थकाता रहा, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। लोगों ने इसी जंगल में सैकड़ों शिवलिंगों को देखने का दावा किया था। लेकिन अब तक हमें शिवलिंग तो क्या, पिंडी के आकार का कोई पत्थर भी नहीं दिखा था। क्या शिवलिंग वाकई है या पहला ही दावा गलत साबित होगा? हम ये सोच ही रहे थे कि तभी हमें खूबसूरती बिखेरता एक सरोवर दिखाई दिया और निगाहें और कदम वहीं थम गए। सावन के महीने में नागेश्वर महादेव लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि नागों का खतरा रहता है, लेकिन आम दिनों में भी लोग कम ही जाते हैं और उसकी वजह यह है कि यहाँ रास्ता बिल्कुल भी नहीं। अब करीबन एक घंटा बीत चुका है और पसीने से बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और रास्ता ना के बराबर है। सच कोई रास्ता है ही नहीं, बस आपको पहाड़ पे चढ़ते रहना है। प्रॉब्लम यह है कि ऐसी जगहों पर जब आप चल रहे होते हैं तो बहुत देर आप रेस्ट भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपके आसपास क्या हो, कौन सा जानवर हो, क्या खतरा हो जो आपके पीछे लर्क कर रहा हो। तो ऐसे में यू कैन नॉट स्टॉप, आप रुक नहीं सकते, इसीलिए चलते ही रहना पड़ेगा। इस नदी के सहारे, झरना जो बह रहा है इसी के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई बाघ या शेर मंदिर में आता है तो जाहिर है वो इसी जंगल में ही कहीं होगा, और वो यहां हमारे सामने आ गया तो हम कैसे बचेंगे? डर ये भी था कि अगर हम रास्ता भटक गए और यहां रात हो गई तब क्या होगा। इन सवालों ने थके कदमों में बिजली की तेजी भर दी। कई घंटों की चढ़ाई के बाद हम पहाड़ के ऊपर पहुंच गए और फिर जो हमें दिखा वो यकीन से परे था। देखिए, इस पूरे पहाड़ पर एक दो नहीं सैकड़ों जगह शिवलिंग मौजूद हैं, लेकिन छोटे छोटे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये एक छोटा सा शिवलिंग है, लोगों ने इसके आसपास बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। उसके अलावा वहाँ पर एक और शिवलिंग है और ऐसे छोटे मोटे शिवलिंग यहाँ भी हैं, पर आप अगर इधर आएंगे तो यहाँ पर भी कई सारे ऐसे शिवलिंग हैं। न बनावटी, न स्थापित किए गए, न छेनी हथौड़ी से बनाए गए, चारों तरफ चट्टानों से प्रकट हुए प्राकृतिक शिवलिंग थे। सब कुछ वैसा जैसा लोगों ने दावा किया था।
तो इस पहाड़ी को चमत्कारी पहाड़ी किस लिए कहा जाता है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर सावन के महीने में हर तरफ शिवलिंग मिलते हैं। कैसे होते हैं मैंने आपको पहले भी दिखाया। जंगल में रुक सकते तो रुक जाते और तलाश पाते तो तलाश लेते, लेकिन इतना प्रमाण भी काफी था। वक्त कम था, मंदिर भी जाना था, वहां भी दो रहस्य और सुलझाने थे। शिव के इन साक्ष्यों को यहीं छोड़कर हम मंदिर की ओर चल गए। हमारा प्लान था कि हम मंदिर में रात भर रुकेंगे और देखेंगे वहां बाघ आता है या नहीं, फिर सुबह शिवलिंग के पास जाएंगे और देखेंगे वहां नाग दिखते हैं या नहीं। अब ये देखना है कि अगर वाकई बाघ या कोई और जानवर आता है तो फिर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि वहां कोई आया या नहीं। नागेश्वर महादेव, साल के 11 महीनों में शिव स्तुति का साक्षी और सावन में सन्नाटे का, आखिर क्यों? इसी रहस्य को सुलझाने हम वहां पहुंच गए थे। सावन के महीने में भगवान शिव के करीब करीब हर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नागेश्वर महादेव के इस मंदिर को देखिए, बिल्कुल खाली पड़ा है। ऐसा नहीं है कि इस मंदिर को लेकर आस्था नहीं है, लोगों को इस मंदिर से बहुत आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन खौफ इतना ज़्यादा है, डर इतना ज़्यादा है कि बहुत कम लोग हैं जो यहाँ आने की हिम्मत जुटा पाते हैं जी। और शाम के इस पहर तो वैसे भी यहाँ पर कोई भी नहीं आता। हमने बहुत कोशिश की कि हम गांव वालों को अपने साथ रोक लें, हमने इनफैक्ट कोशिश की कि फॉरेस्ट के कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर रुक जाएं, लेकिन कोई भी मंदिर में शाम के बाद रुकने को तैयार नहीं हुआ और हम भी सिर्फ और सिर्फ उस चमत्कार को देखने के लिए ये जोखिम उठा रहे हैं। सबसे पहले हम शिवलिंग के पास पहुंचे। सदियों पुराना शिवलिंग, शिवलिंग की तरफ मुख किए नंदी और शिवलिंग से लिपटा तांबे का नाग हमें कुछ अलग नहीं दिखा। सबसे बड़ी घटना आश्चर्यजनक ये है यहाँ की कि आप जितने भी इनका शिवलिंग का अभिषेक करो, कितने भी टैंकर मंगा लो आप, हमने खुद अभिषेक करवाया 10-12 टैंकर और ये मोटर जो लगी हुई है ऊपर से नीचे से वो चालू की। अभिषेक रुद्री से रुद्राष्टाई अभिषेक चल रहा था, खूब मंत्र नमस्ते रुद्र मन्ने उतोते कवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः, सारे रुद्र अभिषेक चल रहा था। आप अचम्मा करोगे कि वो टैंकरों का पानी कहाँ गया, आज तक ये नहीं पता पड़ पाया यहाँ पर कि ये पानी कहाँ से निकलता है। छेद के अंदर सांप होता तो पानी से बचने के लिए बाहर भागता, यानी सांप यहां से नहीं आता। एक जवाब मिला तो नया सवाल पैदा हो गया। छेद में जो सैकड़ों लीटर पानी डाला गया वो कहां गया? लोगों ने कहा था कि छेद नागलोक तक जाता है और सारा पानी वहीं चला गया और नागलोक के सांप ही शिव भगवान की आराधना करने आते हैं। भारत सरकार के DRDO को वहां करीब 10,000 बीघा जमीन अलॉट हुई है। जब उस पहाड़ पे उसको उन्होंने अपने जांच की गई कि 162 मीटर तक वो शिवलिंग टेलरी महादेव का जो शिवलिंग है 162 मीटर तक उसकी गहराई देखी गई और इसी कारण से उन पहाड़ों को उस परिधि से छोड़ दिया गया। DRDO ने उसका अधिग्रहण नहीं किया, वो और पहाड़ों की और जगह की बाउंड्री वाल करा रहे हैं लेकिन उस जगह को छोड़ दिया गया। जब DRDO जो रक्षा अनुसंधान केंद्र है भारत सरकार का, वो उस जगह को उसके महत्व के कारण छोड़ रहा है तो हम आम आदमी इसको कैसे नकार सकता है। शिवलिंग के पास ये छेद सैकड़ों साल से, लेकिन इसी मान्यता की वजह से आज तक किसी ने इसे बंद करवाने की कोशिश नहीं की। चलिए हम इसके मुंह को बस एक रात के लिए ऊपर से ढककर देखते हैं।
इस पूरे मंदिर में सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां पर मुझे शक है कि सांप रह सकता है और वहां से सांप बाहर आ सकता है, और वो है शिवलिंग के पास की ये खाली जगह जिसको मैंने कपड़े से भर दिया है। मतलब मैं इंश्योर कर रहा हूं कि कोई भी ऐसी जगह ना छूटे जहां से सांप के इस शिवलिंग पर आने का कोई भी चांस हो। अगर वैसे तो मैंने आपको बताया कि यहाँ इतना पानी जाता है कि अगर कोई भी जानवर होगा तो बाहर आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कपड़ा जो है इसमें लगा दिया है और ऊपर से मैं सारे पत्थर इसमें रख दे रहा हूँ, तो अब बिल्कुल ये सील हो गया एक तरह से। सांप आएगा या नहीं आएगा वो तो सुबह पता चलेगा, लेकिन अभी हमें रात होने का इंतजार था। तो पहाड़ पर बने इस छोटे से मंदिर के दो रास्ते हैं, एक रास्ता उधर है जहां से ये ड्रोन कैमरा आ रहा है और एक रास्ता एग्जैक्टली मेरे पीछे है। मतलब दो ऐसे रास्ते हैं जहां से आना जाना हो सकता है, वैसे जंगली जानवरों का तो कुछ भी नहीं पता, कहीं से भी आ सकते हैं। देखिए मंदिर के तीन तरफ ऊंची दीवारें हैं, बस ये ऐसी जगह है जिसकी ऊंचाई जंगल के करीब करीब बराबर है, यानी यहां से जंगली जानवर आसानी से आ सकते हैं। हम छत पर खड़े होंगे और नीचे नजर रखेंगे, कुछ दिखेगा तो छुप जाएंगे। ये प्लान रात के लिए था। लेकिन तभी हमें कुछ ऐसा दिखा जिसने हमारे होश उड़ा दिए। अभी शाम नहीं हुई है लेकिन जंगली जानवरों ने इस मंदिर के इर्द गिर्द अपना घेरा बनाना शुरू कर दिया है। तो ये दोनों सियार इस बात का गवाह हैं कि यहाँ जंगल में जानवर मौजूद हैं और वो जंगली जानवर इस मंदिर के इर्द गिर्द आने शुरू हो जाते हैं शाम ढलने के बाद ही। पहला सबूत हमारी आंखों के सामने है। ये जानवर छोटे थे, हम पर हमला नहीं कर सकते थे, लेकिन रात में अगर कोई बाघ आ गया तो क्या हो? हमने फौरन दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। सूरज डूबने के साथ इंतजार खत्म हुआ। प्लान के तहत हमने छत से जंगल और मंदिर पर नजर रखनी शुरू की। हर आहट पर हमारी निगाह उस ओर घूम जाती थी। जंगल में छुपा कोई जानवर हमें आसानी से देख सकता था, लेकिन इस अंधेरे में उसे देख पाना हमारे लिए नामुमकिन था। हमारे पास लाइटें भी बहुत कम थी। कुछ घंटे बीत गए लेकिन कोई बाघ तो छोड़िए कोई सियार या लोमड़ी तक लौट कर नहीं आए। हमने नीचे उतरकर गर्भगृह के पास घूमना शुरू किया, शायद कोई सांप ही दिख जाए। लाइट को सेंटर कर, सेंटर कर, हाँ इस तरफ, अपने लेफ्ट की तरफ कर, हाँ ठीक है ना, हाँ 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 यही यही पर सही है ना ये। तभी एक आवाज सुनाई दी। भैया आवाज आ रही है ना जानवर की, जानवर की आवाज आ रही है। अब ऊपर भागो, ऊपर भागो, ऊपर भागो। हम छत की ओर भागे। अबे गुर्राने की आवाज किसी बड़े जानवर की थी। वो बाघ या तेंदुआ कुछ भी हो सकता था। आधी हकीकत आधा फसाना की पूरी टीम छत पर छुप गई। लेकिन अगर कोई जानवर सीढ़ी के रास्ते ऊपर आ गया तो फिर न जाने क्या होगा। लाइट कर दो, लाइट। अबे अपने चारों तरफ देखो पहले, चारों तरफ घुमा दिया। गजब आवाज था। हाँ यार बिल्कुल। सुना सुना, मुझे भी लगा लगा था ना।
नहीं तो मैं तो खुद ऊपर ही, ऊपर सेफ है, अगर होगा तो नीचे। शुक्रिया, आप क्या कह रहे हैं, भाग गए हम तो। हम छत पर कई घंटों तक छुपे रहे, बीच बीच में मंदिर परिसर में देखते रहे, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। शायद वो जानवर मंदिर में आया ही नहीं, लेकिन ऐसा दोबारा हो सकता था। हम नीचे उतर आए। अब खुले में रहना खतरे से खाली नहीं था। मैं और मेरी टीम जो है इस शिवालय के अंदर रहे तो मुझे लगता है कि हमारे लिए सब कुछ बहुत सेफ हो जाएगा। सिर्फ इन गेट्स को बंद करके जानवरों से हम छुटकारा पा सकते हैं। जो आवाजें हमें जिस तरह की आ रही थी उससे हम बच सकते हैं। तो यहाँ ना रहे अंदर। अंदर दिक्कत है। चलो फिर आ जाओ, फिर बाहर आ जाओ। मैं तो सोच रहा था गेट बंद कर दें, बट चलो छोड़ो। किसी और कमरे की चाबी हमारे पास नहीं थी। गर्भगृह में सांप के आने का खतरा था, इसलिए हम वापस छत पर आ गए और वहीं पूरी रात गुजारी। सुबह होते ही हम मंदिर के गर्भगृह की ओर भागे। अब बारी थी तीसरे दावे को परखने की। As I said, सुबह का वक्त हो गया है, और मतलब ये वो वक्त है जब शिवलिंग के अंदर जाके देखने की जरूरत है कि वहां पर क्या नजारा है। अंधेरा बहुत है, रोशनी में मुझे दिखाई कम दे रहा है। ओ, आप देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं? बिल्कुल सामने शिवलिंग पर एक नाग बैठा हुआ है, बिल्कुल सामने फन फैला है। जिस तरह की कहानियां सुनी थी कि नाग होता है, बिल्कुल उसी तरह का नाग। और मेरी आवाज सुन के पीछे की तरफ टर्न कर गया, मेरी तरफ टर्न कर गया। मतलब अपने आप में शॉकिंग है। आप इधर आइए, ये देखिए, बिल्कुल अपने आप में शॉकिंग है। शिवलिंग और उस पर फन फैलाए बैठा काला नाग, जैसा सुना था ठीक वैसा। शिवलिंग के पास बना छेद पूरी तरह बंद था, यानी सांप बाहर से आया। मैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता और ना ही इसमें कोई दखल अंदाजी करना चाहता हूं। ये मेरा काम नहीं है, और इनफैक्ट किसी का भी काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आस्था का भी मामला है और ये हमारे नेचर का भी मामला है। इसलिए ये सांप यही है, मुझे नहीं पता अब ये कहाँ जाएगा, गायब हो जाएगा या फिर कहीं पे चला जाएगा। लेकिन इनफैक्ट मेरे जाने का टाइम आ गया, बिकॉज आई डोंट थिंक कि अब मुझे और ज़्यादा तकलीफ देनी चाहिए। हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे एक इंडिकेशन देना हो कि ठीक है, आपके लिए ये सब कर दिया हमने, बाहर भी आपको दिखा दिया, यहाँ भी दिखा दिया, अब आप चले जाइए। तो आई थिंक अब वक्त है कि हम यहाँ से चले जाएँ। लेकिन ये नज़ारा मैं शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं भूलूँगा। आप देखिए कि क्या चीज़ है ये। सुबह शिवलिंग के पास नाग का मिलना क्या वाकई इत्तेफाक था? हमने शहर जाकर स्नेक एक्सपर्ट से इस बारे में बात की। तो सावन का महीना रहता है, यानी रेनी सीजन, पर्याप्त बारिश है, पर्याप्त मॉइस्चर है। तो वहाँ क्या रहता है, स्टोन पार्टिकल्स में जब मॉइस्चर बनता है तो वहाँ से इंसेक्ट बहुतायात में, इंसेक्ट अपनी कॉलोनी डेवलप करते हैं, और स्नेक जो है इंसेक्ट की फीडिंग ज़्यादा करता है। तो वहाँ प्राकृतिक रूप से इसको अपना भोजन प्रचुर मात्रा में और बड़ी सरलता और सहजता के साथ उपलब्ध हो जाता है। इसलिए शिवलिंग, शिवालय या अन्य जो धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं, वहाँ सावन के महीने में, बरसात ऋतु में इस प्रकार के स्नैक्स का दिखाई देना एक सामान्य बात है। स्नेक एक्सपर्ट कुछ भी कहें, लेकिन आस्था की नींव विश्वास है, कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं। कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है कि भाई जंगल है, आसपास बारिश है, सांप निकल रहा है, जानवर निकल रहा है, तो कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। नहीं, मैं आपको ये बताऊं तो वो कोइंसिडेंस जैसे होगा तो वो साफ जगह की तरफ नहीं जाएगा, फिर वो जंगल में ही जाएगा, पेड़ों पे जाएगा, झाड़ियों में जाएगा। लेकिन वो सीधा साफ जगह में से होके, मंदिर से होके सीधे शिवलिंग तक आ रहा है, ये बड़ी चीज़ है भाई। उसकी कहीं ना कहीं वो शिवलिंग से जुड़ा हुआ है, तो वो शिवलिंग तक आ रहा है और वो ये संदेश भी दे रहा है कि ये शिवलिंग
पुरातन शिवलिंग है, स्वयं शिव हैं और स्वयं शिव वहाँ स्थापित हैं, इस वजह से नाग वहाँ आ रहा है। ओम नमः शिवाय। हमें पहाड़ पर शिवलिंग दिखे, रात में जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई दी और सुबह शिवलिंग पर सांप भी नजर आए। हमारे लिए इन सारी बातों को शब्दों या तर्कों में समझा पाना मुमकिन नहीं था। वैज्ञानिक इन सारी बातों को कुदरत का चमत्कार या फिर इत्तेफाक करार देते हैं, लेकिन कोई कुछ भी दावा करे, नागेश्वर महादेव के भक्तों के लिए इस धाम से जुड़ी हर मान्यता और उनकी आस्था अनंत काल तक यूं ही अखंड, अडिग और अमर बनी रहे। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18।